हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एफडी चुनार ब्लॉग में। और आज मैं फिर से नए ब्लॉग में लेकर आया हूं आप लोगों को। और आज मुंबई के बैंड स्टैंड में स्थित जॉन अब्राहम का घर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर जो बैंड स्टैंड का एरिया है बहुत ही फेमस एरिया है। और सभी तरह के जो बॉलीवुड स्टार हैं, या तो जूहू में रहते हैं या तो बैंड स्टैंड में रहते हैं। तो एक ऐसा घर जॉन अब्राहम का भी है जो कि बैंड स्टैंड में है। तो लेके चलते हैं आपको, बैंड स्टैंड दिखाते हैं और उनका घर। और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं बीच के बिल्कुल किनारे हूँ, तो अभी आपको लेके चलता हूँ, फ्रंट पे दिखाता हूँ जॉन अब्राहम का घर। तो ये पहचान है, यहाँ पे एक जेट बना हुआ है, जेट प्लेन है। और सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, जॉन अब्राहम की बिल्डिंग है ये पीछे। और सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे जॉन अब्राहम रहते थे, इसमें ये इसका एंट्रेंस है, सी ग्लिम्स। यहाँ से देख सकते हैं ये इनका जो एंट्रेंस है सी ग्लिम्स का। और सामने अंदर गाड़ियां खड़ी, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉन अब्राहम के रहते हैं इसमें, तो ये पूरी बिल्डिंग जॉन अब्राहम की है, उसका एक अपार्टमेंट है। बाकी और लोग भी रहते हैं यहाँ पर, सिर्फ शाहरुख खान का घर जो मन्नत है उसमें सिर्फ वो पूरी तरह से रहते हैं। बाकी जितने एक्टर हैं वो लगभग अपार्टमेंट ही लेके रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, सी ग्लिम्स, और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और इनके आर्किटेक्ट भी क्या, तो जॉन अब्राहम के भाई ने। देख सकते हैं ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, बिल्कुल सामने समुद्र है और गार्डन भी है छोटा सा। ये एंट्रेंस यहाँ का, यहीं से जॉन अब्राहम आते आते होंगे। एक बेहतरीन सनसेट पॉइंट है ये, यहाँ से आप सूरज को डूबता हुआ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा। और बहुत ही प्यारा लोकेशन है, सिर्फ लोग घर देखने आते हैं लेकिन उसके पीछे छिपी हुई इन एक्टरों की हार्ड वर्क मेहनत नहीं देखते। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर आता है मुंबई और एक दिन में ही घर बना लेता है। ये घर बनाने के पीछे उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, कई दिनों तक वो भूखे रहते हैं, कई दिनों तक उन्हें सोने की जगह नहीं मिलती है, परेशान रहते हैं, फुटपाथ पर समय जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और उसके बाद जाकर उनको मौका मिलता है जब अपना हाथ दिखाने का, अपना किस्मत जो चमकता है उनका, तब जाकर फिर ऐसा घर ले पाते हैं वो। और उसके पीछे लोग घर सिर्फ देखते हैं, उसके पीछे के स्ट्रगल को नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उन घरों के पीछे स्ट्रगल बहुत होता है, काफ़ी स्ट्रगल। उम्मीद है दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को, और अगर इसे पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।